जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के एक और वीडियो में आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने इस यात्रा में पहुंचा हूं महाराष्ट्र के एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान पंचवटी में। मैं इस वक्त पंचवटी में हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको यहां पंचवटी के जितने भी प्राचीन पौराणिक मंदिर है और यहां गोदावरी नदी के घाट पर जो जो प्रमुख कुंड है उन सारे कुंडों की संपूर्ण जानकारी दी। मैंने आपको यहां पर कुंड पर गोदावरी जी के दर्शन कराए, जो मंदिर 12 साल में एक बार खुलता है। उसके साथ हम पंचवटी के सबसे प्राचीन मंदिर श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर में गए थे, नरोशंकर महादेव मंदिर में गए थे, रामेश्वर गए थे, कालाराम मंदिर, गोराराम मंदिर, दसभुजा गणेश मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, जैसे अनेक जो यहाँ पर प्राचीन और पौराणिक मंदिर है उन सारे मंदिरों के मैंने आपको दर्शन कराए। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंचवटी के उन स्थानों पर जाने वाले हैं जो रामायण से और प्रभु श्री राम से जुड़े हैं। प्रभु श्री राम यहाँ पंचवटी में तपोवन नाम के स्थान पर रहते थे। तपोवन में ऋषि कपिल मुनि का आश्रम था। उसी आश्रम के पास में प्रभु श्री राम पन कुटीर बनाकर रहते थे और वही तपोवन में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। लक्ष्मण जी ने वहां पर लक्ष्मण रेखा खींचा था और वही तपोवन से रावण ने सीता जी का हरण किया था। तो तपोवन जो है प्रभु श्री राम और रामायण से जुड़ा हुआ यहाँ पंचवटी में एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। इस वक्त मैं हूँ पंचवटी में गोदावरी के घाट पर। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी से तपोवन शुरू हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ घाट से चलता हूँ और सबसे पहले आपको सीता गुफा और कालाराम मंदिर के पास चलते हैं, वहीं से तपोवन का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो हम पहले कालाराम मंदिर और सीता गुफा को देखते हुए आगे चलेंगे और एक एक करके तपोवन में जो भी तीर्थ स्थान है आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ गोदावरी के घाट से पंचवटी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री कालाराम मंदिर पे आया हूँ। तपोवन की जो यात्रा है वो यहीं से कालाराम मंदिर के पास में ही सीता गुफा है, वहाँ सीता गुफा से शुरू होती है। कालाराम मंदिर जो है ये यहाँ पंचवटी में 300 साल पहले मराठा पेशवा के शाहूकार रंगनाथ राव ओडेकर जी ने बनाया था। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है और ये यहाँ का बहुत ही प्रमुख मंदिर है। जब आप यहाँ पर आएंगे पंचवटी में तो आपको रहने के लिए अच्छे होटल्स और अच्छे रेस्टोरेंट भी आपको इसी जगह पर, ये जो कालाराम मंदिर है इसी परिसर के पास मिलेंगे। मंदिर की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में दी थी, इस वीडियो में भी मैं आपको कालाराम मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। ये जो मंदिर है, जब आप इस मंदिर से मुख्य प्रवेश द्वार से जाते हैं, बहुत भव्य मुख्य प्रवेश द्वार बनाया है। अंदर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको हनुमान मंडप मिलता है। बहुत ही सुंदर तरीके से हनुमान मंडप बनाया गया है। उसमें 40 पिलर है, हनुमान चालीसा के 40 जो श्लोक है उन 40 श्लोक के आधार पर यहाँ पर 40-40 जो है पिलर बनाए गए हैं, स्तंभ बनाए गए हैं। उससे आगे आप अंदर जाते हैं तो मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। मुख्य मंदिर का जो गर्भ भी है बहुत ही सुंदर है, वहाँ पर भी आपको 14 स्तंभ मिलेंगे। ये 14 स्तंभ जो बनाए गए हैं ये प्रभु श्री राम के 14 साल के वनवास को दर्शाता है। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा के लिए घेरा बनाया गया है, बरामदा बनाया गया है। उन बरामदाओं में 84 पिलर है। 84 पिलर इसलिए बनाया गया है, मानव जीवन जो इंसान को मिलता है वो 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मिलता है। तो एक जो स्तंभ है वो 1 लाख योनियों को दर्शाता है। तो और अंदर जो है भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी की बहुत ही सुंदर सावली मूर्ति जो अभय मुद्रा में है। यहाँ कालाराम मंदिर के अंदर जो भगवान है उनके पास धनुष बाण नहीं है, वो अभय मुद्रा में है, शांति के मुद्रा में यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें उनकी एक हाथ उनके छाती पर और एक हाथ उनके पैर पे है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये कालाराम मंदिर यहाँ पर पंचवटी में। तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आप दर्शन करेंगे और यहीं पर आप देखिए मंदिर के बाहर आपको ऑटोज मिल जाती है। आप ये ऑटो रिक्शा लेकर यहाँ से तपोवन जा सकते हैं। ये रिक्शे वाले जो है वो आपको तपोवन के जितने भी जगह है वो सारे जगह ले जाते हैं और दिखाकर फिर यहीं पर कालाराम मंदिर के पास लेकर आते हैं। और ये कालाराम मंदिर से आप थोड़ा सा आगे चल के जाएंगे, लगभग 50 कदम इस रास्ते पे आगे जाएंगे तो आपको पंडकुटीर मंदिर और सीता गुफा मिलती है और वो प्राचीन वट ब्रिज मिलते हैं जिनके नाम पर ही इस तीर्थ का नाम पंचवटी पड़ा है। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे पास में सीता गुफा भी आपको दिखाता हूँ और वहाँ से फिर हम ऑटो लेके आगे बढ़ते हैं। तो कालाराम मंदिर से आप कुछ कदम चल के आएंगे, देखिए पीछे काला मंदिर से चल के आएंगे तो आप इस जगह पे पहुंचते हैं। यही जो है एक्चुअल पंचवटी। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 5 प्राचीन जो पंचवट के जो ब्रिज हैं वो वट के ब्रिज के दर्शन होते हैं। तो पहले मैं आपको वट ब्रिज के दर्शन कराता हूँ। तो देखिए पहला वट ब्रिज है वो ये है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है 1 नंबर। तो ये पहला वट ब्रिज है और इसके ठीक सामने यहाँ पे दूसरा वट ब्रिज है और पीछे की तरफ वहाँ पर आपको 2 दिखेंगे, वो तीसरा वट ब्रिज है। और उसके बाद यहाँ पर आगे जो है ये 4th वट ब्रिज है और ये यहाँ बिल्कुल जो सीता गुफा के गेट पे ये यहाँ पे 5th वट ब्रिज है।
और इन पांच वट बीच के पास में ही यहाँ पर सीता जी की गुफा है और पर्णकुटीर मंदिर है। ऐसी मान्यता है जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था तो उसके बाद रावण के जो भाई थे खर दूषण, वो राम जी के खोज में यहाँ पर पंचवटी में आए थे। उस समय खर दूषण का वध प्रभु श्री राम जी ने किया था और सीता जी को एक गुफा के अंदर वो छुपा कर रखे थे। तो वो गुफा यहीं पे है, जमीन के नीचे है। जब आप यहाँ से अंदर जाते हैं तो पहले आपको एक मंडप मिलता है और वहाँ से गुफे में जाने का रास्ता है। लगभग 15-20 सीढ़ियाँ उतर कर आप नीचे जाते हैं तो आपको प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी की सावली मूर्ति की दर्शन होते हैं और उसी जगह पे ऐसा माना जाता है प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को छुपा कर रखा था। और वहीं से जब आप राम जी के दर्शन करके वहीं से गुफे के अंदर से ही रास्ता है, उस रास्ते से आप आगे जाएंगे तो आपको भगवान शिव के दर्शन होते हैं। अंदर शिवलिंग की स्थापना की गई है तो आप शिव जी के दर्शन करके फिर 20 से 15-20 सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर गुफे के बाहर यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे पंचवटी की यात्रा में और तपोवन की यात्रा में तो कालाराम मंदिर के पास में ही सीता जी की गुफा है, जहाँ पर ये प्राचीन जो पांच वट वृक्ष के दर्शन होते हैं पहले, उसके बाद सीता जी के गुफा के दर्शन होते हैं। और यहाँ से फिर ऑटो रिक्शा मिल जाती है, 200-300 रुपये ऑटो वाले लेते हैं। सीज़न के टाइम पे, पिक सीज़न के टाइम पे ज़्यादा लेते हैं, 400-500 भी ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली 200-250 या 300 रुपये में आपको वो यहाँ से तपोवन ले जाते हैं। तपोवन में जो भी जगह है, कुल ऐसे तो 11 जगह बताते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण 5-6 जगह, वो सारे जगहों के दर्शन करा के फिर लेकर आते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ से ऑटो ले लिया है, 250 रुपये में ऑटो मिल गए और हमारे साथ बालू ड्राइवर है जो हमें यहाँ पर पूरे तपोवन की यात्रा करा के लेके आएंगे। और मेरे साथ रंजीत है, पिछले वीडियो में आपने रंजीत को देखा होगा। रंजीत भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, सफ़र और स्वाद इनका चैनल का नाम है, और मेरे साथ ये पंचवटी की यात्रा में ज्वाइन किए हुए। जय श्री राम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारी मुलाकात हो चुकी है और सुजीत भाई के साथ वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। इनके पास बहुत नॉलेज है, पता नहीं इतनी नॉलेज कहाँ से लाते हैं, लेकिन हाँ ये जो ये नॉलेज दे रहे हैं अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक जो ये कवर करने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इनकी बातें हैं, इनकी जो वीडियोज़ हैं, लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि राम जी हमारे कहाँ से निकले थे और कहाँ पहुँचे थे। तो दोस्तों मेरा भी चैनल है, आप मेरे चैनल पर जाइए और कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों वहाँ सीता गुफा से जैसे आप 100 मीटर आगे आएंगे तो आपको जो पहला स्थान मिलेगा तपोवन के मार्ग में, वो है प्रभु श्री राम का पर्णकुटीर मंदिर। अभी मैं इसी पर्णकुटीर मंदिर के बाहर हूँ, आप ये मंदिर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है श्री राम जी की जूनी पर्णकुटीर मंदिर। तो ऐसा माना जाता है प्रभु श्री राम इसी जगह पर रहते थे। यहाँ से ये रास्ता है, अंदर चलता हूँ। ये पंडित जी, हाँ ये पंडित जी हैं आगे, और ये देखिए ये मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। मुख्य मंदिर जो है वो इस तरफ है, ये मुख्य मंदिर है। आगे कुछ कमरे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी के दर्शन होंगे। ये मुख्य जो है मंदिर है, यहाँ पे मुख्य मूर्तियाँ हैं प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी की। तो तपोवन की यात्रा में ये आपको जो दूसरा स्थान मिलेगा, पहला स्थान जो सीता गुफा था और दूसरा स्थान जो ये है, इसी मंदिर से आप आगे जाएंगे तो आपको लक्ष्मण रेखा के दर्शन होते हैं, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींचा था। तो अभी हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए श्री राम जी के, आगे चलते बस मंदिर के बाहर में ही यहाँ पर लक्ष्मण रेखा मंदिर है। आप जैसे ही पर्णकुटीर मंदिर के दर्शन करके आएंगे तो आपको यहाँ पे ये पानी की धारा मिलेगी, इसे अग्नि तीर्थ कहा जाता है। ये जो जगह है इसे ही लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, लक्ष्मण जी ने यही रेखा खींची थी। अग्नि तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अग्नि की रेखा थी। अगर जो भी इस रेखा को पार करके यहाँ पर्णकुटीर में पहुंचेगा, वो पर्णकुटीर मंदिर है, तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए रावण ने जो है सीता जी को इस रेखा के, इस जो आप जो ये नदी जैसा देख रहे हैं पानी की जो धारा, इसके उस पार बुलाया, उधर बुलाया। तो वहाँ पर सीता हरण मंदिर है और यहाँ पे पर्णकुटीर मंदिर है, बीच में ये जो पानी की धारा है ये लक्ष्मण रेखा है। तो मैं अभी यहाँ से आगे चलता हूँ। तो जैसे देखिए ये मेरे पीछे पुल है, आप पुल से जैसे आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो मंदिर के दर्शन होंगे। पहले जो है हनुमान जी का मंदिर है और दूसरा जो मंदिर है वो सीता हरण जी का मंदिर है। और ये मंदिर के अंदर जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है वो 11.5 फीट ऊँची और लगभग 5,500 वर्ष पुरानी ये मूर्ति है। बहुत प्राचीन मंदिर है, इसे काट्या मारुति मंदिर कहा जाता है। काट्या मारुति मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राचीन काल में पूरा जंगल था और इस जंगल में बहुत सारे काटों के पेड़ थे और उन काटों के पेड़ के अंदर से हनुमान जी की ये स्वयंभू मूर्ति यहाँ पे प्रकट हुई है। और ये काट्या मारुति मंदिर के बिल्कुल सामने ही सीता हरण मंदिर है, लेकिन सीता हरण मंदिर का अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, मंदिर को नया बनाया जा रहा है। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये मंदिर है,
ये जो आप शेड देखेंगे ये शेड मंदिर का ही लगा है, अंदर मुख्य मंदिर है तो मुख्य मंदिर में अभी दर्शन बंद है। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार था और प्रवेश द्वार में यहीं से अभी सीता जी के दर्शन कराए जा रहे हैं। ये है सीताहरण मंदिर, लेकिन अभी मंदिर का रिनोवेशन चल रहा है इसलिए दर्शन जो है ये बाहर ही कराया जा रहा है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सीता जी के दर्शन होते हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ सीता जी के पास में रावण की मूर्ति है, जो रावण है वो साधु के भेष में है और यहाँ पर सीता जी जो है वो रावण को भिक्षा देते हुए दिखाई देती है और उनका जो चेहरा है वो उदास है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल काट्या मारुति मंदिर और वरुणा नदी के सामने ही जो सीता जी के दर्शन होते हैं और ये सीताहरण मंदिर है। अभी मंदिर बन रहा है, कुछ समय में बन जाएगा। मैं अगली बार जब पंचवटी में आऊँगा तो ये जो नया मंदिर बनेगा वो आपको बहुत अच्छे से दिखाऊँगा। पंडित जी मेरे साथ में है, पंडित जी इस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। सिया बलरामचंद्र की जय। आपके सामने जो है सीता जी है रावण को दोनों हाथों से भिक्षा दे रही है। इसके पीछे मंदिर का निर्माण चल रहा है इसलिए मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। इसी रोड से पीछे नदी बह रही है, लक्ष्मण रेखा है। त्रेता युग में अग्नि रेखा थी, अब जल रेखा है। उस रेखा को लांग के लक्ष्मण जी का वचन तोड़ के माता जी यहाँ पे आई तो रावण सीता जी को बुधवार के दिन दोपहर को त्रेता युग महागशुद्ध अष्टमी के दिन रावण सीता जी को लंका ले गए। इसलिए अभी भी हिंदू धर्म में कहते हैं बुधवार के दिन अपनी बहू बेटी को माँ के यहाँ सरसा भेजते लाते नहीं, इसका मूल कारण रावण सीता जी को भूल गए से कहा जाता है। जाएगी भूत तो आएगी कब करके। हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाओ राम लक्ष्मण सीता, सीता राम है सामने हनुमान जी। हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है यहाँ पे, अकेली जगत की रक्षा करने वाली अकेली माता दोनों हाथों से भिक्षा दे रही है। तो दोस्तों वहाँ सीताहरण मंदिर के बाद जब आप तपोवन में पहुँचेंगे तो आपको एक भगवान लक्ष्मी नारायण का बहुत ही भव्य और बड़ा मंदिर मिलेगा। इस मंदिर को कुंभ मेला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पंचवटी पर गोदावरी नदी के घाट पर जब सिंहस्थ का कुंभ मेला होता है उस कुंभ मेले की जो पूजा की शुरुआत होती है वो इसी मंदिर से होती है। जो महाकुंभ का जो कलश है वो यहीं पर रखकर पूजा किया जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये तपोवन में एक बहुत मुख्य मंदिर है। तो अभी मैं यहाँ मंदिर में आया हूँ, आपको ये मंदिर दिखा देता हूँ। देखिए जैसे आप मंदिर में आएंगे तो यहाँ पे सब कमरे और कार्यालय हैं। यहाँ पे जो साधु संत आते हैं रहते हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की सुविधा की गई है और उनके लिए यहाँ पे कमरे हैं। ये मंदिर का मंडप है, यही मुख्य मंदिर है और इसके अंदर आप मंदिर के अंदर जाते हैं बहुत ही भव्य यहाँ पे मंडप बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे गणेश जी की एक मूर्ति बनाई गई है, रखी गई है। पीछे आप देखेंगे पीछे गौशाला है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक गौशाला है। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है और गणेश जी के मूर्ति के पास में ही यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति है। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में यहाँ पे आपको श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी के दर्शन होंगे और ये यहाँ पर जो है लक्ष्मी नारायण की जो मुख्य मूर्ति है। तो पंडित जी जैसे बता रहे हैं कि जब सिंहस्थ का कुंभ मेला होता है तो महीने दो महीने तीन महीने से ही यहाँ पर साधु संतों का आना शुरू हो जाता है और वो यहाँ पर रहते हैं और फिर यहाँ पर घाट पर उनके टेंट वगैरह बनते हैं ना। और यहाँ पर इस जगह पर इस मंदिर में कलश पूजा होती है और उसके बाद फिर कुंभ का स्नान शुरू होता है। तो ये एक मंदिर आपको मिलेगा तपोवन की यात्रा में। अभी हमने लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कर लिए और अब यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों तपोवन में आपको जो अगला स्थान मिलेगा वो लक्ष्मण जी को समर्पित है। यहाँ पर लक्ष्मण जी का एक बहुत ही प्रमुख मंदिर है और यहाँ पर लक्ष्मण जी को जो है वो शेषनाग के रूप में दर्शाया गया है। और लक्ष्मण मंदिर के बिल्कुल पास में आप यहाँ पे देखेंगे तो श्री राम सृष्टि नाम से एक नया यहाँ पे पार्क बनाया गया है, जिस पार्क में अभी तीन दिन पहले ही प्रभु श्री राम जी की 70 फीट की एक बहुत सुंदर और भव्य मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। तो पहले मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको ये जो मूर्ति है, जो नई मूर्ति बनी है वो मूर्ति दिखाता हूँ। और ये मूर्ति के पास में ही लक्ष्मण जी का मंदिर है जहाँ पर उन्हें शेषनाग के रूप में दिखाया गया। तो देखिए ये यहाँ पे श्री राम जी की मूर्ति। तो यहाँ पे देखिए श्री राम सृष्टि से जैसे आप दर्शन करके बाहर आएंगे यहाँ तक गाड़ियाँ आती है, आपकी गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी। ये सारे ऑटोज देखिए यहाँ पे खड़े और इसके ठीक सामने यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी का मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर शुभनखा की नाक काटी हुई जगह यहाँ पर लिखा है, लेकिन वो जो जगह है वो और यहाँ से आगे है, ये जगह नहीं है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा चित्र बनाया गया है श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का और ये मंदिर का प्रवेश द्वार।
ये लक्ष्मण मंदिर जो है, अंदर आएंगे आपको यहाँ पे कुछ दुकानें मिलेंगी। इन दुकानों से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से चढ़ के आपको ऊपर जाना होता है। और ये है यहाँ पर मुख्य लक्ष्मण जी का मंदिर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चित्र बनाया गया है जिसमें लक्ष्मण जी शूर्पणखा जी की नाक काटते हुए दिखाया गया है। और यहाँ से आगे जाते हैं तो ये मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह जहाँ पे लक्ष्मण जी की शेषनाग के रूप में दर्शन दिए हैं। यहाँ लक्ष्मण जी के दर्शन करके आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक और मंदिर मिलेगा। ये सर्वधर्म मंदिर है और ये भी श्री राम जी को समर्पित मंदिर है। और इसके सामने यहाँ पे शनि मंदिर है, ये शनि भगवान का मंदिर। यहाँ पर जो गोदावरी और कपिला नदी के संगम पर, ये आपको शनि भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ पे शनि महाराज की मूर्ति और शनि महाराज के पास में ही यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नदी का संगम होता है। आप जब अंदर आते हैं तो ये जो जगह है, ये मुख्य तपोवन है जहाँ पर कपिला नदी और जो गोदावरी नदी है उनका संगम होता है। इसी जगह पर कपिला मुनि का आश्रम था, कपिला मुनि यहाँ पर रहते थे और रामायण से जुड़ी हुई जो बहुत सारी जो घटना हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी। यहाँ पर संगम स्थान है, उसके साथ साथ में यहाँ पर कई सारे तीर्थ हैं जहाँ पर कुंड है और उन कुंडों में यहाँ पे पानी है। मैं आपको पहले दिखा दूँ, देखिए वहाँ पे सारे तीर्थ हैं, सारे कुंड हैं, वहाँ पे मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कपिला नदी आती है, ये कपिला नदी है और इस तरफ से आप देखेंगे यहाँ से गोदावरी नदी आती है और ये गोदावरी नदी आती है और यहाँ पर इनका संगम होता है। मैं आगे चलता हूँ, आपको नीचे से संगम स्थल दिखाता हूँ और उसके बाद यहाँ के तीर्थ दिखाता हूँ। ये जो जगह है यही तपोवन का सबसे मुख्य स्थान है, आपको यहीं पे आना होता है। ये देखिए यहाँ पे पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप पक्की सीढ़ियों से आते हैं तो आप इस संगम स्थल पे पहुँचते हैं। ये है तपोवन का संगम स्थल। तो ये देखिए, ये गोदावरी जी की धारा आ रही है और ये कपिला नदी की धारा आ रही है और यहाँ से आगे फिर कपिला नदी समाप्त हो जाती है और गोदावरी नदी बहते हुए आगे बढ़ती है। तो तपोवन की यात्रा में जब आप आएंगे तो आपको ये कपिला नदी के संगम के दर्शन होंगे और इसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। मैं आपको वो कुंड दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, कपिला नदी के तट पर आपको सबसे पहले वो स्थान दिखाई देगा जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो यहाँ पे ये मुख्य जगह है, वहाँ पे मंदिर बनाया गया। यहाँ पर बारिश के समय यहाँ जो पानी का बहाव बढ़ जाता है तो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए वहाँ पर मंदिर बनाया गया है और मंदिर में दर्शन कराया जाता है जहाँ पे शूर्पणखा का नाक काटा गया है, वो स्थान बताया जाता है। लेकिन जो मुख्य स्थान है वो यही नदी के घाट पर है। और यहाँ पर देखिए, ये लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काटते हुए यहाँ पर दिखेंगे आपको। और यहीं पर पास में यहाँ पर कपिल मुनि जी का मूर्ति है, ये कपिल मुनि जी का यहाँ पर आश्रम था, इन्हीं के नाम पर कपिला नदी यहाँ पे बहती है। और इसके बिल्कुल पास में ही आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वो तीर्थ और कुंड है। ऐसा माना जाता है जब रावण सीता जी के हरण करने आया था तब प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को जो है वो अग्निकुंड के अंदर छुपा दिया था और उनकी जो छाया थी वो छाया को वहाँ पर पन कुटीर में रखा था। रावण ने जो सीता जी का हरण किए थे उसे माना जाता है कि वो सीता जी की छाया को लेकर गए थे। जो मुख्य सीता जी जो थी वो यहाँ पर अग्नि तीर्थ में, अग्निकुंड में छुपा दी गई थी। राम जी ने ही अग्नि तीर्थ का निर्माण किया था। तो यहाँ पर जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी इस जगह पर, यहीं पर आपको पहले इस अग्नि तीर्थ के दर्शन होते हैं। ये अग्नि तीर्थ है, अग्नि तीर्थ के पास में आपको एक और कुंड दिखाई देगा, ये है मुक्ति कुंड, इसे मुक्ति कुंड कहा जाता है। ये दो कुंड है यहाँ पे और इसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो तीन कुंड है और इसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तीन कुंड है। ये ब्रह्मा कुंड है, यहाँ पे विष्णु कुंड है और उसके आगे शिव कुंड है। तो ये तीन कुंड आपको यहाँ पर अग्नि कुंड के पास मिलेगा। तो ये जब आप तपोवन की यात्रा में आएंगे तो ये आपको सबसे मुख्य स्थान मिलेगा, आपको यहाँ पे दर्शन करना है और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये जो मंदिर है तपोवन में, ये प्रभु श्री राम का मुख्य मंदिर है और ये जो मंदिर है ये तपोवन के प्रभु श्री राम वनवास माँ की यात्रा में रजिस्टर्ड है। तो मैं अंदर चलता हूँ, देखिए ये मंदिर है इस तरीके से। तो जैसे आप मंदिर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेड़ दिखेगा, ये पीपल का पेड़ है। इस पीपल के पेड़ के नीचे ये मंदिर है और यहाँ पर वो चरण पादुका है जो अयोध्या से बनकर आई है और इसके पास में यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है और ये पीपल का वृक्ष है। और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन श्री राम पंडकुटीर और ये मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार। यहाँ पे आपको कुछ किताबें मिल जाएंगी और पूजा के प्रसाद की दुकान है, कुछ कमरे हैं यहाँ पे। वहाँ पे आगे अगस्त्य ऋषि का जो मंदिर है अगस्त्य महामुनि आश्रम और यहाँ पर अगस्त्य ऋषि जी की यहाँ पर मूर्ति है। तो यहाँ पर आप अगस्त्य जी के दर्शन करते हैं, जो मंदिर की देखभाल करते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं।
और उसके पास में ये पंचवटी मंदिर है। यहाँ पे ये मंदिर है, मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों ये है तपोवन और तपोवन में स्थित कपिला और गोदावरी नदी का संगम। और मैं तपोवन से जो दर्शन करके अब फिर से यहाँ पर पंचवटी में जो गोदावरी तट है गोदावरी के तट पर आ गया हूँ। पंचवटी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और मैंने यहाँ पर दो वीडियो में इन पंचवटी के जितने भी प्रमुख मंदिर और पौराणिक प्राचीन मंदिर है उन सारे मंदिरों को मैंने आपको दर्शन कराए। लेकिन आप यहाँ पर पंचवटी की यात्रा पर आए तो आप एक दिन में भी इन सारे स्थानों पर जा सकते हैं और इन सारे स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर नासिक और नासिक के आसपास प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जुड़े हुए अनेक स्थान है, जिसमें से सबसे प्रमुख स्थान पंचवटी है। मैंने आपको पंचवटी और तपोवन के दर्शन करा दिए और आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको नासिक के और भी जो महत्वपूर्ण स्थान है श्री राम और रामायण से जुड़े हुए उन स्थानों के आपको दर्शन कराऊंगा। आज के इस वीडियो को मैं यहीं गोदावरी नदी के तट पर एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे इन दो वीडियो से आपको पंचवटी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ गंगे।